सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। कड़वा सच है कि गरीब से दोस्ती छुपाते हैं लोग और अमीरों से दूर का रिश्ता भी बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं लोग। जुबा से माप करना तो पल भर का काम है, दिल से माप करने में सदियां बीत जाती है। आज का पंचांग 9 नवंबर 2021 दिन मंगलवार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि, सुबह 10:36 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र शाम 4:59 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:55 से 4:18 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:34 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर रात्रि 10:36 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगी। कुंभ राशि 9 नवंबर 2021 दिन मंगलवार। प्रिय कुंभ, चंद्रमा की धनु पर गति आज आपको कुछ चीजों के लिए निराश कर सकती है। आपको यह एहसास होगा कि जो लक्ष्य आपने अपने लिए बनाए हैं वह आप हासिल नहीं कर पा रहे हैं और आपकी उत्पादकता को भुगतना पड़ सकता है। इसकी चिंता ना करें, आप इन सभी चीजों में जल्दी ही सुधार देखेंगे। कुछ सफेद रंग पहने, शांति मिलेगी। सुबह 10 से 11 के बीच का समय भाग्यशाली समय हो सकता है। अच्छे से बातचीत करना अभी बेहद जरूरी है। काम में आप सकारात्मक मार्ग बना रही हैं और आपके प्रयासों से आपको पदोन्नति मिलेगी या वेतन में वृद्धि होगी। साहस के साथ नए अवसरों का सामना करें। घर या कार्य में मतभेदों से बचने के लिए अच्छे स्रोता बने। मित्रता अच्छाई को बढ़ाती है और बुराई को विभाजित कर देती है, इस बात का आप आज अनुभव करेंगे। आपका अधिकतर समय मित्रों के साथ बीतेगा और इस समय को हमेशा याद रखेंगे। यह एक अच्छा अनुभव है। लोगों के साथ विनम्र होना सीखें। महत्वपूर्ण होना जरूरी लेकिन अच्छा होना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको आज भावनात्मक और वित्तीय दोनों तरह का नुकसान हो सकता है, हालांकि आप आसानी से इससे बच भी सकते हैं अगर आप उन लोगों से दूरी बना ले जो अपने फायदे के लिए आपको जबरदस्ती इन चीजों में घसीटना चाहते हैं। आज के दिन आराम से बिताएं और अपने उन घावों को भरने की कोशिश करें जो पिछली बातों से आपको मिली है। पिछले कुछ समय से की गई कड़ी मेहनत के उचित परिणाम अब हासिल होने वाले हैं। रुकावट व बाधाओं के बावजूद आप सभी महत्वपूर्ण काम निपटाने में सक्षम रहेंगे। भाइयों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी तथा कुछ बीती हुई नकारात्मक गलतफहमियां भी दूर होगी। परिवार से ज्यादा मित्रों को महत्व देने की वजह से परिवार के लोग नाराज हो सकते हैं। इस कारण भविष्य में आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। यदि किसी बात पर आप सहमत नहीं है तो सामने वाले व्यक्ति को इस बारे में जानकारी जरूर दें। काम को नए तरीके से पेश करने के लिए और जानकारी हासिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। पार्टनर से प्राप्त हुए सरप्राइज आपको आनंद देंगे। बदन दर्द कमजोरी के कारण हो सकता है, ध्यान रखिए। पुरातत्व से जुड़े लोगों को विशेष लाभ संभव है। करियर संबंधित बड़ी रुकावट दूर हो सकती है, ये इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति भी हो सकती है। माइग्रेन के मामले में राहत मिल सकती है। सावधानियां, कोर्ट केस व राजकीय मामले उलझ सकते हैं, बेहतर होगा कि आज इन्हें स्थगित रखें। अपने बजट को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सीमित और संतुलित रखना अति आवश्यक है। संतान की गतिविधियों पर भी अपनी नजर रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। बच्चों की समस्याओं को लेकर जीवन साथी के साथ कुछ
नोकझोंक रह सकती है। अपने व्यस्तम समय में से कुछ समय परिवार के लिए भी निकालना आवश्यक है। अच्छा, आपको अपने प्रिय के प्रति अपना व्यवहार बदलने की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि वह तनाव में हो और अपनी कोफ्ता आप पर निकाले। अगर आप भी उसी तरीके से पेश आएंगे तो स्थिति बिगड़ते हुए देर नहीं लगेगी। इसके बजाय उसकी समस्या समझें और समझदारी से काम लेते हुए व्यवहार करें। यह आपके प्रति नरम भी होंगे और आपका एहसान भी मानेंगे। अगर अब नहीं तो बाद में जरूर ऐसा करेंगे। अपने साथी के साथ घूमने के लिए वक्त निकालें और फोटोग्राफी के जरिए इन लाभों को हमेशा संजो कर रखें। आपके छोटे भाई बहन भी इसमें आपको कंपनी दे सकते हैं। अपने प्यार भरे जीवन को स्पाइसी बनाने के लिए प्रयत्न करते रहें। धन के नुकसान हो सकता है, सावधान रहें। आज के दिन आपके और आपके दोस्तों के लिए खास है। आज आप इस बात को अनुभव करेंगे कि दोस्ती खुशियों को दुगना करती है जबकि दुखों को कम कर देती है। याद रखें, आपका पार्टनर आपका सच्चा दोस्त है जो हर सुख दुख में आपके साथ रहेगा। अपने हम सफर को शुक्रिया कहें और प्यार के साथ उसकी केयर भी करें। बात करते हैं करियर की। जीवन साथी आपके लिए प्रेरणा का स्रोत है और आज छोटी यात्रा के माध्यम से उसे स्पेशल महसूस कराएं। लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रिया से प्रभावित ना हो। अभी घरेलू काम जैसे लीक नल या खराब बिजली के उपकरण ठीक करना आदि आपकी प्राथमिकता हो सकती है। कोई निर्णय आज आपको निराश करेगा। दोस्ती खुशियों को दुगना करती है जबकि दुखों को आधा कर देती है। आपके दोस्त आज आपका अधिकतर समय लेंगे जिससे आपको खुशी होगी। अब आप कुछ मजेदार करना चाहती हैं, इसके लिए आप लॉन्ग ड्राइव या पार्टी का भी सहारा ले सकते हैं। उतार और चढ़ाव जीवन का हिस्सा है, इसलिए जीवन में सुख दुख दोनों को स्वीकार करें। आज आपके लिए एक भाग्यशाली दिन है। आज किसी भी बैठक या बातचीत में शीर्ष पर रहेंगे। आप बहुत आसानी से किसी भी घुमावदार स्थिति से बाहर आ जाएंगे। आपके प्रयासों की सराहना की जाएगी। अगर आप एक संपत्ति में आज निवेश करने की योजना बना रही हैं तो आपको एक अच्छा सौदा मिल सकता है। सावधानी से दस्तावेजों को पढ़ने के बाद ही अपने हस्ताक्षर करें। बिजनेस में कर्मचारियों के बीच झगड़ा या विवाद चल रहा था तो सुलझ सकता है। कारखानों और फैक्ट्री से जुड़े बिजनेस तरक्की देने वाले रहेंगे। आमदनी के नए सोर्स भी बनेंगे। बात करते हैं सेहत की। जुखाम जैसी परेशानी रह सकती है। वर्तमान वातावरण से अपना बचाव अवश्य करें। इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि आज पेट और पाचन तंत्र से जुड़ी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। पिछले कुछ समय से आपकी समझ में भी यह बात आई है कि आपको अपनी डाइट में काफ़ी सारे बदलाव करने की ज़रूरत है और आज आपको इसके अच्छे परिणाम दिखाई भी देंगे। इससे आपका मानसिक तनाव कम हो जाएगा जो वास्तव में किसी बाहरी कारण से नहीं था, जैसा आप सोचते थे आपकी जीवन शैली के कारण ही था। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी को बूंदी के लड्डू चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।